अरे तरसेम अंकल, ये तो मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रहा है यार। होंकी होएगा। क्या हुआ तरसेम अंकल? अरे संजू बेटा, तुम अंकल आप परेशान लग रहे हो, बताओ ना क्या हुआ? नहीं बेटा, ऐसे ही। बताओ ना अंकल, मेरी मम्मी कहती है अगर हम लोग परेशानियां बांटेंगे तो हमारी परेशानियां दूर हो जाती है। अरे संजू बेटा देख, तू तो जानता कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और कई महीनों से एक भी स्टोरी मेरे हाथ नहीं लगी है, और एडिटर ने कहा है कि अगर कल तक कोई अच्छी न्यूज स्टोरी मुझे नहीं मिली यार, मेरी नौकरी का सवाल है। पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ शिंदे रोड पर और उसे मारने वाली गाड़ी का पता नहीं चला, तो आप पता लगा पाओगे? पता? मैं पूरी स्टोरी लिख सकता हूँ, कल्प्रिट को जेल तक पहुँचा सकता हूँ, हमारी रोड्स कितनी अनसेफ है इस पर आर्टिकल पूरे हफ्ते लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी स्टोरी नहीं है। पर अंकल अब तो है ना? क्या? हाँ देखिए, आज 3 बजे शिंदे रोड पर मिस्टर मिश्रा के स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, अब वो लाजवंती हॉस्पिटल के आईसीयू में है। देन मुझे लिखने दे, मैं भूल जाऊंगा। नहीं लिख लो। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? वो मैंने मेरे टीचर ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने हमें रोड के सेफ्टी के बारे में भी लिखने के लिए कहा है। तू चिंता ना कर, हम तरसीम सिंह की कलम लिखेगी और जालिम गड्डी वाले नु जेल पहुंचाएगी। तरसीम सिंह चैनल जलजला। बेटे ये लो तुम्हारा चॉकलेट केक। करुणा ऐसे नाराज नहीं होते बेटे। मैं क्यों नाराज? मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर संजू को बुलाऊं? कौन संजू? मैं किसी संजू बजू को नहीं जाती। मैंने किटी पार्टी के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं और खाने का मेन्यू संजू आ गया। आओ आइंस्टाइन आओ। कैसा रहा आज का लेसन? है जी, सुना है आजकल तुमने दूसरों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया, और इसी खुशी में तुम्हारी मम्मी ने किटी पार्टी की सारी तैयारी कर ली। What? हाँ बेटा, मैं भी तो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरा बेटा कितना होशियार है। अरे इसे तो खुशी नहीं हुई। अरे भाई कैसे होगी, वो जानता है कि मम्मी की पार्टी के नाम पे पापा की जेब कट ली। तुम भी ना, थोड़े बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं तो क्या हुआ, हमारी प्रेस्टीज कितनी बढ़ेगी ये सोचो। पापा मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई नाराज है तो आप उसे कैसे मनाओगे? वो ऐसे मनाए। अरे बेटा ये क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। जब कोई गुस्सा हो तो बस एक छोटी सी मीठी सी स्माइल उसके चेहरे पर ले आओ, बस गुस्सा फिनिश। बेटा ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी मम्मी का गुस्सा शांत करने के लिए तुम्हारे पापा के चेहरे पे हमेशा एक क्यूट सी स्माइल रहती है। वेरी स्मार्ट। थैंक यू पापा। ओके बाय बेटा। एक्सक्यूज मी मिस्टर ब्रजभूषण। एक्सक्यूज मी मिस्टर आभूषण। बॉस आभूषण ने कालीचरण बंदी डाउन। आओ टाइगर आओ, गो। कैसे आए हो? दरअसल मिस्टर खचकरन, हमारी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए थे, इसके लिए हम रिक्शा से आए हैं। तो ये तुम हमें क्यों बता रहे हो? क्या बिल हमसे लोगे? उसकी जरूरत नहीं है, हमने रिक्शा वाले की जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ में दे दिए। घंटीला घंटीला। बॉस कालीचरण आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? राइट। दरअसल मिस्टर कालीचरण, मैं आपके शरण में आया हूँ कि आप इन दो पंक्चर टायरों में आकर की हवा डालें, वरना ये जादुई पेंसिल तो क्या एक ऑर्डिनरी पेंसिल भी नहीं ला पाएंगे। आओ पंचर टायरों, हम तुम्हारा पंचर ठीक करते हैं। घंटीला घंटीला। अब हम जो कहेंगे जी कालीचरण जी, हमें जैसे कहा जाता है हम वैसे ही करते हैं। अफसोस गलत जवाब।
ये हमेशा वही करते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। Shut up! तो तुम करोगे जो हम तुमसे कहेंगे? और इसे लेकर पीछे के जंगल में चले जाओ और रात के 3-12 बजे इसका जल आधा आधा बांट कर दोनों ही लेना। सुबह होते ही तुम्हारी बुद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाएगी। कैंडीना चार नो पायरेट रोज टाइगर संभालो इसे। उठाओ मार जाओ। अगर मिशन भटकरण का ये प्रोग्राम कामयाब हो गया तो फिर किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं। हम कालीचरण ट्यूटोरियल क्लासेस खोल देंगे और रातों रात माला मार दिखाएंगे। याद है हमने क्या कहा था कि हमें करुण को फंसाना ही है, चाहे जैसे भी। ओके करुण, क्या चीज है जिसे हम करुण को फंसा सकते हैं? हंसेगी हंसेगी क्योंकि उसे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। अब इसे रैप कर लेंगे। पेपर घबराना नहीं, नहीं नहीं मैं हूँ। हाँ जी फॉलो मी, फॉलो आराम से आराम से। हाँ अरे इधर बैठेंगे आराम से पियेंगे, चिंता मत कर। काम करता हूँ वही पी जाता हूँ। ओए मंगू, ये क्या कर रहा है? नहीं धोखे बाज। नहीं धोखे बाज कहाँ, मैं देख मुझे ले, मुझे मुझे नहीं बाप। तेरा मुंह काला हो गया। ए मंगू तेरा भी मुंह काला हो गया। मेरा भी काला हो गया। कालीचरण बाबा, कालीचरण बाबा, कालीचरण बाबा। हाय करुणा। करुणा ये लो कल के लिए। एक्चुअली तू ऐसे कह दो, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे इसकी आवाज भी नहीं। संजू करुणा ने कहा कि वो तुमसे बात। तो मैंने सुन लिया। ठीक है मेरी आवाज नहीं सुनी ना तो मत सुनो, पर ये इंपोर्टेड चॉकलेट्स का डब्बा तो ले लो। ले लो ले लो करुणा, मिल बांट के खाएंगे। अरे रुको यार, पहले मैं खाऊंगा। अरे कुछ भी नहीं है। अरे प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल जो। चलो बैठो बैठो, चलो पूछे चलो। मैं देख रही हूँ आजकल तुम लोगों का इंटरेस्ट स्टडी से ज्यादा चीजें देखने में। सिट डाउन, अब एक एक करके अपनी होमवर्क की कॉपी मेरे पास लाओ। स्टार्ट फ्रॉम दिस रो। टीचर। यस करुणा। मैंने होमवर्क नहीं किया। व्हाट? पर तुम्हें ये होमवर्क पिछले हफ्ते दिया गया था। यू हैव गॉट वन होल वीक टू डू इट। तुम्हें पता है ना मेरे क्लास में होमवर्क ना करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने क्यों नहीं किया, कोई वजह? इसका मतलब तुमने जानबूझ के होमवर्क नहीं किया। करुणा मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगी कि आज के बाद इस क्लास में कोई भी बिना होमवर्क नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी टीचर। एक्चुअली टीचर करुणा मेरे वजह से अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाई। मुझे पनिश कीजिए। नहीं टीचर, मेरा होमवर्क कंप्लीट हुआ है, पनिशमेंट मुझे ही मिलना चाहिए टीचर। करुणा का होमवर्क कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, मुझे हेल्प करना था और मुझे हेल्प नहीं कर पाया। ओह प्लीज, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है।
मुझे पनिशमेंट दीजिए। नो टीचर, इट विल बी अनफेयर। मुझे सजा मिलनी चाहिए। ओह प्लीज संजय, डोंट एक्ट टू स्मार्ट, ओके? पर करुणा, मैं तुम्हें, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। मिस प्लीज आप मुझे पनिश कीजिए। नो टीचर, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। नहीं मिस, मेरे को नहीं मिस, पनिश मी। पनिश मी मिस। कीप क्वाइट बोथ ऑफ यू। मुझे तुम लोग मत बताओ कि किसे पनिश करना है और किसे नहीं करना है। आई नो, बोथ ऑफ यू सिट डाउन। और कल तुम दोनों 1 to 50 एक्सरसाइज करके आओगे, और नहीं करके आए तो सी व्हाट आई डू टू यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।